आधा दिन पूरी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। इंदौर की चर्चा करेंगे। इंदौर से एक बड़ा मामला सामने आया। इंदौर के बहुचर्चित भैयू महाराज सुसाइड केस में जिला कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों को सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने केयरटेकर पलक, मुख्य सेवादार विनायक और शरद को दोषी ठहराते हुए 6-6 साल की सजा सुनाई है। भैयू महाराज ने 12 जून 2018 को इंदौर की स्प्रिंग वैली स्थित अपने घर में कनपट्टी पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। इस केस में आज ही अंतिम सुनवाई हुई है। सभी साक्ष्य और गवाहों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आरोपी पक्ष ने भैयू महाराज का लिखा सुसाइड नोट पूरे मामले में अहम सबूत के तौर पर पेश किया। वहीं अभियोजन पक्ष ने तीनों आरोपियों के खिलाफ बहन और दूसरी पत्नी आयुषी को गवाह बनाकर जिला कोर्ट में पेश किया। केस में फैसला 3 साल में 32 गवाह और 150 पेशी के बाद आया है। घटना के बाद इसे पारिवारिक कलह से जोड़कर दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस पड़ताल में ब्लैकमेलिंग की बात सामने आई थी, जिसके बाद खुलासे होते गए। चलिए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपेश जैन फोन लाइन पर हैं। दीपेश, बड़े सालों बाद खुलासा, और खुलासा भी ऐसा कि तीनों आरोपियों को सजा, क्या कुछ खास रहा इस फैसले में? बिल्कुल महेंद्र जी, देखिए मध्य प्रदेश का बहुचर्चित भैयू महाराज सुसाइड केस मामला था, जिसमें 12 जून 2018 को पूरे देश विदेश में विख्यात संत भैयू महाराज, गृहस्थ और राजनीतिक संत उन्हें कहा जाता था, उन्होंने अपने कमरे में खुद की कनबट्टी पर गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। एक सुसाइड नोट भी उन्होंने छोड़ा था, हालांकि स्पष्ट तौर पर उन्होंने किसी को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया था, लेकिन पहले ऐसा लगा कि शायद पारिवारिक विवाद, पत्नी और बेटी के कलह की वजह से उन्होंने कदम उठाया है। लेकिन जब पुलिस पड़ताल शुरू हुई तो कई मामले ऐसे होते चले गए, कई खुलासे ऐसे होते चले गए, जिसके बाद पुलिस के हाथ कुछ अहम सबूत, अहम गवाह लगे, कुछ अहम दस्तावेज लगे, और उसके बाद जब पुलिस ने पता किया तो पता चला कि जो भैयू महाराज के जो सेवादार थे, विनायक, उनकी जो शिष्या थी पलक, केयर टेकर जो थी, और साथ ही साथ उनका ड्राइवर, ये तीनों मिलकर के ब्लैकमेल कर रहे थे भैयू महाराज को, और इनके अपने अलग अलग रीजन थे, एक तरीके से वशीभूत करके रखना चाहते थे भैयू महाराज को। कई तरह की तंत्र क्रियाएं भी उन पर की गई थी, तो कह सकते हैं कि 3 साल तक पुलिस की जांच चली। इसके बाद इन तीनों को मुख्य दोषी माना गया। कोर्ट ने भी इन तीनों को मुख्य दोषी मानते हुए आज ही सुनवाई खत्म की और आज ही अपना फैसला दे दिया। सबसे आखिर में आयुषी के बयान हुए थे, जो कि भैयू महाराज की दूसरी पत्नी है और उनकी बेटी है। उन्होंने हालांकि अभी इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। एक पुहू है उनकी बेटी का नाम। और आप बताएं कि विनायक की जमानत को लेकर आरोपी के जो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। आज 6-6 साल की सजा पलक से शरद और विनायक, इन तीनों को सुनाई गई है। इसमें विनायक के जो वकील हैं तुरंत सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं। हालांकि फैसले पर अभी जो भैयू महाराज की बेटी है कुहू, उन्होंने कुछ नहीं कहा है और उन्होंने कहा है कि मौका आने पर वो जरूर बोलेंगी, तब आपको पता चल जाएगा। तो यानी उनके मन में अभी कुछ और संदेह है। और जाहिर सी बात है कि कई मौके ऐसे आए जब सौतेली माँ है जो उनकी उसमें और कुहू में, यानी आयुषी और कुहू में संबंध अच्छे नहीं रहे हैं और कई तरह के आरोप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर लगाए हैं। लेकिन खैर मामला एक तरफ रहा, फिलहाल तो पुलिस ने ब्लैकमेलिंग के मामले में तीनों को दोषी पाते हुए कोर्ट ने जो है इनको 6-6 साल की सजा सुनाई है। अब आगे ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंचे हैं, तो देखना है कि वहां से क्या होता है। चलिए दीपेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तीनों आरोपियों को 6-6 साल की सजा कोर्ट ने सुनाया फैसला। बड़े इंतजार के बाद फैसला आया है। 12 जून 2018 को घर में किया था सुसाइड। भैयू महाराज को ब्लैकमेल कर रहे थे तीनों आरोपी, यही एक वजह थी जो जिसको सबूत के तौर पर या गवाहों के तौर पर पेश किया गया और अंततः कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। बात दूसरी खबर की कर